ऐतिहासिक जगह के सामने आपको उस एरिया का थोड़ा इज्जत करना चाहिए। लेकिन ये इस सरकार ने नहीं किया, ये पिछले सरकार ने किया। वो भी एक मैसेज देना चाह रहे थे हमारे त्रिपुरा साल लोगों को, मैसेज मिल गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम खुदीराम बोस और सुजय सेन का निरादर करते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में भी वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट था, विक्टोरिया मेमोरियल के सामने उन्होंने कार्ल मार्क्स का या किसी और का स्टैचू लगाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नहीं लगाया। इसका मतलब है कि त्रिपुरा में उन्होंने एक जानबूझ के एक अटेम्प्ट किया था पोलराइज करने का। हम उस शिकंजे में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन हाँ, विवेकानंद का नाम, अस्तबल का नाम विवेकानंद, आप कहीं और भी विवेकानंद का नाम रख सकते थे। लेकिन आप पुराने स्ट्रक्चर के सामने, ऐतिहासिक स्ट्रक्चर के सामने आप ये सब बनाकर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप ही डिवाइड करना चाह रहे हैं। मैंने तो नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं कहा। और अगर आपने पहले नहीं देखा मेरा स्टेटमेंट तो आज भी आपने सुन लिया है। मैं खुदीराम बोस, सुरजीत सेन का बहुत आदर करता हूँ, लेकिन उनका स्टैचू उजयंता पैलेस के सामने नहीं होना चाहिए था, कहीं और होना चाहिए था। उजयंता पैलेस में जो उजयंता पैलेस का इतिहास है वही होना चाहिए। महाराज, और एक चीज, सोशल मीडिया पे जैसे कि बहुत सारा बात, ये अफवाह हो रहा है कि उजयंता पैलेस के सामने महाराज वीर विक्रम और महारानी कंचन प्रभा देवी का स्टेचू होना चाहिए, तो आपके अनुसार से वहाँ पे किसका स्टेचू होना चाहिए? नहीं, होना तो चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी कर सकते तो महाराज वीर विक्रम के नाम में आप स्कॉलरशिप खोल दीजिए। लेकिन ये जो जैसा आज हमने गंडछरा का नाम गंडतुईसा वापस रखा है, या थालछरा का नाम तियारी मायरांग रखा है, हम भी जानते हैं अपना इतिहास को कैसा वापस ले आने के लिए, तो मैं तो करूँगा। लेकिन ये इस सरकार ने नहीं किया, ये पिछली सरकार ने किया, क्योंकि वो सरकार का एजेंडा ही था कि राजा महाराजा को गाली बके और बाहर के लोगों को आदर दे, जैसे कार्ल मार्क्स हो, चे गुवारा हो, ये उनका पॉलिटिक्स है। मैं उस पॉलिटिक्स में गिरना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आज तिपरासा लोगों को पानी चाहिए, नौकरी चाहिए, उनको एक एजुकेशन चाहिए, मैं उसमें बात करना चाहता हूँ, ना कि उस सब्जेक्ट में जिसमें सिर्फ राजनीति होता है। इस राजनीति में किसी का फायदा नहीं है। इस राजनीति